हाय गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम शेक्सी डॉट कॉम एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 10। आज हम फाइलजिला को डाउनलोड करते हैं एंड देखते हैं कि हम उसे कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं इन आवर विंडोज़ प्लेटफॉर्म। मैं जो है विंडोज़ का यूज़र हूँ, सो दैट्स वाई हम विंडोज़ पे डाउनलोडिंग कर रहे हैं एंड इंस्टॉलिंग करेंगे हम। आप जस्ट जो है वो गूगल पे जाएंगे, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फाइलजिला, फाइलजिला, ठीक है। क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो एनवायरनमेंट है, ठीक है। फाइलजिला क्लाइंट ऑल प्लेटफॉर्म, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है सबके लिए है ये। लेकिन अगर आप फाइलजिला सर्वर विंडोज ओनली, सिर्फ विंडोज के लिए, तो हम विंडोज पे क्लिक करते हैं बिकॉज हम विंडोज के यूजर हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन देगा कि भाई विंडोज रिकमेंडेड विंडोज के लिए है, मोर डाउनलोड ऑप्शंस पे यहाँ क्लिक करें हम। जस्ट जो है वो विंडोज 7, 8, 8.1 उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ से हमारा फाइलजिला जो है वो डाउनलोड होगा। सोर्स सोर्स पेज आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाउनलोड हुआ जो है हमारा फाइलजिला। तो फाइलजिला जैसे ही डाउनलोड होगा हम उसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल करेंगे देन हम देखेंगे कि उसे हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। फाइलजिला जैसे ही डाउनलोड होगा हम उसे ओपन करेंगे एंड ओके। सिंपल, जैसे आपके और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल होते हैं ऐसे ही ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। फाइलजिला फाइलजिला सर्वर हमने जो है वो डाउनलोड कर लिया। हम फाइलजिला क्लाइंट डाउनलोड करेंगे। हमने फाइलजिला जो है वो सर्वर डाउनलोड किया था, वो कुछ ऐसा था। लेकिन हम फाइलजिला पे जस्ट जाएंगे, हम फाइलजिला क्लाइंट डाउनलोड करेंगे। फाइलजिला क्लाइंट 64 विंडोज 7, 8 के लिए है एंड जैसे ही डाउनलोड होता है हम उसे इंस्टॉल करते हैं। अगेन सॉरी, हमने जो है वो गलती से जो है सर्वर डाउनलोड कर लिया, हम जो है क्लाइंट जो है वो डाउनलोड करते हैं, ठीक है। आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा यहाँ पे कुछ फाइलजिला, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे फाइलजिला तो आप फाइलजिला आएगा आपका, क्लिक करेंगे, फाइलजिला है हमारे पास, हम ओपन करेंगे इसे। ओके, आई एग्री, ठीक है। आप नॉर्मली जैसे सॉफ्टवेयर आपका जो है डाउनलोड होता है, इंस्टॉल होता है, ऐसे ही फाइलजिला आपका जो है इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। हम इसे जो है वो कैंसिल करते हैं बिकॉज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। स्टार्ट फाइलजिला नाउ, स्टार्ट फाइलजिला जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका फाइलजिला का एनवायरमेंट आपको ओपन हो जाता है। सो ये ऐसे ही है। तो FTP अकाउंट्स आप यहाँ से जो है वो एक्सेस करेंगे, फॉर इंस्टेंस होस्ट का नेम एंड कोर्सेस। आपको पता है कि कोर्सेज के नाम से courses@shakesy.com, इसके नाम से हमारे पास यूजर नेम है, पासवर्ड आपने जो भी रखा हुआ होगा। अब वो एक्सेस करेंगे, पोर्ट बाय डिफॉल्ट वो 21 ही यूज़ करेगा, अगर आप पोर्ट नहीं देते तो, ठीक है। ओके करेंगे तो आपकी वेब डायरेक्टरी जो जस्ट कोर्सेज की ही है वो उसे ही एक्सेस करेगा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने यहाँ से जो है वो कैसे, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ से डिलीट करते हैं अकाउंट्स, ये हमने डाउनलोड डिलीट की फाइल्स। आप जो है यहाँ से डिलीट कर सकते हैं फाइल्स, यहीं से ओपन भी कर सकते हैं फाइल्स, एडिट भी कर सकते हैं फाइल्स एंड अपडेट भी कर सकते हैं फाइल्स अपनी जो भी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे आते हैं शेक्सी। हम यहाँ पे फॉर इंस्टेंस हमारे पास सी के अंदर एक WW के अंदर एक फोल्डर है, हम न्यू फोल्डर बनाते हैं। कोर्सेस, कोर्सेस के अंदर हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, फाइल नोटपैड प्लस प्लस, हम यहाँ पे फाइल बनाते हैं
index.php. New file index.php. index.php हम यहाँ पे आते हैं C के अंदर, WAM के अंदर, हम WW के अंदर, और हमने कोर्सेज के नाम से बनाया था. यहाँ पे index.php की फाइल हम सेव करेंगे एंड यहाँ से हम जस्ट क्या करते हैं, एको करते हैं शेक्सी. ठीक है, अब आप देखेंगे कि FTP अकाउंट्स के अंदर कोर्स, हम वापस जाएंगे एंड वैम के अंदर WW का फोल्डर है, कोर्सेज का फोल्डर हमारे पास है एंड यहाँ से हम फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से. जैसे ही फाइल जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे आपकी फाइल 100% आ जाएगी, क्यू फाइल्स आपकी एम्प्टी हैं एंड हम वापस आएंगे. यहाँ पे आते हैं shixi.com और जो भी जो है shixi.com एंड यहाँ से हम देखते हैं कि कोर्सेस, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये ओपन हो जाएगा. आप देख सकते हैं कि वेलकम इन shixi.com. ठीक है, तो आप अगर दोबारा ये जो है फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपसे पूछेगा कि भी ओवरराइट करना है या नहीं करना. आप ओवरराइट करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो ओवरराइट हो जाएगी. ठीक है, एंड ये आपका लोकल एनवायरनमेंट है, ये आप सर्वर से कनेक्टेड है, उस पर्टिकुलर जो है FTP अकाउंट से आप कनेक्टेड है. ठीक है, तो आपने देखा कि हमने फाइल से कैसे डाउनलोड किया, कैसे इंस्टॉल किया एंड हम जो है कैसे लॉगिन हो रहे थे यूजिंग FTP अकाउंट्स. आप FTP अकाउंट से जो है वो ऐसे भी जो है लॉगिन हो सकते हैं एंड या आप जैसे चाहें लॉगिन हो सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें बिल्कुल मेल कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्टली जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं एंड हमेशा की तरह आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम shixi.com. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.